नमस्कार साथियों, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से। हारमोनियम सीखने का ये दूसरे नंबर का वीडियो है और आज हम सीखेंगे तीन अलंकार। इन तीन अलंकारों को कर लेने के बाद आपको स्वर ज्ञान करने में बहुत सहायता मिलेगी। ये मेरा सा है, पहले काले को मैंने अपना सा बनाया है। उस वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि आपको सा में आ भरना है, उन कहना है, ई कहना है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों का उच्चारण इसी स्वर पर करिए, व्यंजनों का उच्चारण इसी स्वर पर करिए। सा आ ए ऊ ए ऐ आप हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का उच्चारण करिए, स्वरों का उच्चारण करिए। सा, सा को साधते से ही आपको बाकी के स्वर सध जाएंगे। आज हम करने वाले हैं तीन अलंकार। जो पहला अलंकार करने वाले हैं ये बहुत ही सरल है, लेकिन इसको कर लेने के बाद स्वर ज्ञान आपको बहुत जल्द होगा। सा आकार में भी करना है, सा कहना है, आ भी कहना है, ऊ कह सकते हैं, ई कह सकते हैं। सा सा आ आ सा रे आ रे 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 ए ए रे सा। आप पैटर्न समझिए। पहले मैंने कहा सा 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 सा, फिर सारे और रे पर रोककर रे रे कहा और रे से वापस हो गया फिर से सा पर। सा 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 रे 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 सा। आप जल्दी ना करें, आप इन स्वरों में आ का ऊ का आकार उकार कुछ भी उच्चारण जरूर करें, इससे आपको स्वर की ऊंचाई नीचाई पता चलेगी। सा रे गा, लेकिन मैंने आ आ से कहा। सा रे गा, आप सा सा फिर रे रे फिर गा पर पहुंच गए हैं। सा रे गा 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 रे सा आ आ आ आ। आपने कहा सा रे ग ग ग ग रे सा और इसको आकार में भी किया। अब मैं मा तक जाऊंगा। सा रे ग मा मा ग रे सा आ तक जाऊंगा मैं। सा रे गा मा पा 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 मा रे सा आ भी कह सकते हैं। आपको जो सरलता में लगे वो शब्द कहिए आप। अब मैं धा तक जाऊंगा। सा रे गा
नी तक जाऊंगा। अब सा तक जाऊंगा मैं, जो कि तार सप्तक का सा है। सारे आकार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि आकार से ही आपको स्वरों की ऊंचाई नीचाई का पता चलेगा। हमने जो अलंकार किया है, यह भी आरोह किया है, इसका आरोह भी करेंगे। एक बार मैं इसको केवल आपको स्वरों स्वरों में बोलकर बता देता हूं। सा 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 रे 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 सा सा रे गा 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 रे सा माता सा रे गा मा 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 गा रे सा पातक सा रे गा सारे गा धा 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 मा मा रे सा नीतक सारे गा पा धा नी 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 धा मा मा रे सा। तो ये था आरोह। अब इसका अवरोह तार सप्तक के सा से आएंगे हम। सा सा आ सा नी 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 सा आ आ आ ता नी धा 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 आ
इन सातों स्वरों की आवाज आपको समझना है। आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, पहले ताली पर अंगूठे को मैं एक नंबर कह रहा हूं, ये दो है, ये तीन नंबर की उंगली, ये चौथी और छोटी उंगली पांच नंबर। तो दो नंबर की उंगली हम पहले काले पर रखेंगे, दूसरे काले पर हम तीसरे नंबर की उंगली, दूसरे नंबर की उंगली, फिर तीसरे नंबर की उंगली, दूसरे काले पर अंगूठा इस चौथे नंबर के सफेद पर रखेंगे और ये तीन उंगलियां तीनों कालों पर आ जाएंगी, दूसरी तीसरी चौथी, और नी पर आपका अंगूठा आ जाएगा और ये तार सप्तक के ऊपर आपकी फिर से दूसरी उंगली जाएगी। यही क्रम आपका अवरोह में रहेगा, ये उंगली रखने का क्रम है और ये शुद्ध स्वर है। सा आ रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी रे धा धा पा पा मा मा ला ला रे रे सा। साथियों, एक ही अलंकार में वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आगामी अलंकार मैं आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा। रोज सुबह 6 बजे से वीडियो आता है, इसलिए आप फेसबुक पेज पर रोज सुबह 6 बजे इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर कर दें, जिससे मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूं। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।